क्या आप अपने एसी की सर्विस खुद करना चाहते हैं, वो भी फ्री में? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज हम अपने एसी की सर्विस करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा मेन स्विच है उसको बंद कर लेंगे, और बंद करने के बाद जो एसी का ऊपर वाला ढक्कन है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए साइड में दोनों तरफ यहाँ पर जगह दी गई है जहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद इसमें देखेंगे कि फ़िल्टर लगे होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो फिल्टर लगे हुए हैं जो कि बहुत गंदे हो चुके हैं। जब ये गंदे हो जाते हैं तो इनकी वजह से जो एसी की कूलिंग है वह कम हो जाती है। हम कितना भी एसी की जो टेम्परेचर है वह कम कर लेंगे, बट अपने रूम का टेम्परेचर है वह कम नहीं होगा, क्योंकि ये जो फिल्टर है वह गंदे हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इन फिल्टर्स को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम अच्छे से इनको क्लीनिंग करेंगे। तो क्लीनिंग के लिए आप हाथ से भी इनको क्लीन कर सकते हो या फिर ब्रश से भी क्लीन कर सकते हो, वो आप अपनी मर्जी है, आप जिसे चाहो उससे क्लीन कर सकते हो। तो मैं इस टाइम अपने हाथों से इसकी क्लीनिंग कर रहा हूँ फ़िल्टर की। तो दोनों फ़िल्टर की क्लीनिंग करने के बाद मैं इनको सुखाने के लिए रख दूँगा, और थोड़े जब ये सूख जाएंगे तो सूखने के बाद हम वापस इन फ़िल्टर्स को एसी में फ़िट कर देंगे। और ध्यान रहे यह फ़िल्टर है यह अच्छे से फ़िट हो जाना चाहिए। जब दोनों फ़िल्टर को हम इसको लगाने के बाद एसी के अंदर, फिर इसका ढक्कन वापस है बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद फिर हम एसी को चालू करेंगे। जब एसी को चालू करेंगे तो देखेंगे कि हमारी कूलिंग है वह बढ़ जाएगी। तो इस ट्रिक को अपना के आप फ्री में अपने एसी की जो सर्विस है वह कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।